गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर SST क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ज्योग्राफी चैप्टर 7। द टाइटल ऑफ द चैप्टर 7 इज लाइफ एंड डेजर्ट। एज यू नो डेजर्ट द एरिया वेयर द स्मॉलेस्ट लिटिल रेनफॉल एंड द वेजिटेशन इज वेरी लेस। डेजर्ट्स आर अमंग द हार्शेस्ट ऑफ द एनवायरमेंट्स इनहैबिटेड बाय ह्यूमन बींग्स। हॉट डेजर्ट हैव हाई एवरेज टेम्परेचर, वाइल इन कोल्ड डेजर्ट इट इज अ कोल्ड ऑल द टाइम। इन हॉट डेजर्ट ऑल द एनुअल रेनफॉल यूजली अकर इन द फॉर्म ऑफ हैवी शावर्स स्प्रेड ओवर अ फ्यू डेज। द रेस्ट ऑफ द ईयर इज ड्राई एंड समटाइम्स देयर मे बी नो रेनफॉल फॉर सेवरल ईयर्स। यू नो कि जो हॉट डेजर्ट होता है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट होता है, वेजिटेशंस बहुत ही स्पार्स होता है, क्योंकि रेनफॉल होता है तो बहुत ही हैवनली होता है। बट ये क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर अ मैनी ईयर्स बहुत सालों तक यहाँ पर बारिश नहीं होती। द रेस्ट ऑफ द ईयर इज़ ड्राई एंड समटाइम्स देयर बी नो रेनफॉल फॉर सेवरल ईयर्स। कोल्ड डेजर्ट की बात करें अगर, तो कोल्ड डेजर्ट रिसीव परसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। ड्यू टू द स्कैसिटी ऑफ वाटर डेजर्ट कैन सपोर्ट ओनली स्पार्स वेजिटेशन। दस फूड एंड वाटर विच आर द एसेंशियल फॉर लाइफ आर हार्ड टू फाइंड इन डेजर्ट। मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर लिमिटेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लो। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ all these difficulties people do live in desert, let us study about the lives of the people into such reason। इतनी problem के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं, some people जो कि वो desert area में रहते हैं। if we talking about two types of desert, hot desert and cold desert। hot desert की बात करें, the Sahara desert। the Sahara is an extensive hot desert covering almost the whole of the northern Africa। It is bounded by the Atlantic Ocean in the west, the Red Sea in the east, the Mediterranean Sea and the Atlas Mountains in the north and a zone of fixed dunes in the south। अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट चारों ओर से कहीं ना कहीं तो ओशन से कवर है, फिर भी जो उसका एरिया है वो क्या है, डेजर्ट एरिया है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे माउंटेन्स है वो ज़्यादा मिलते हैं और जो प्रेसिपिटेशन होता भी है तो क्या होता है, हमने आपको और रेनफॉल में डिस्कस किया था कि दो तरह के होते हैं, एक होता है लीवर्ड और एक होता है सीवर्ड। तो जो एरिया जो डेजर्ट एरिया होता है वो कौन सा एरिया हो जाता है, लीवर्ड का, जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो पाती। लैंड की बात करें अगर, तो अमंग द टिपिकल लैंडफॉर्म्स ऑफ द सहारा आर वॉज स्ट्रेचेज ऑफ सैंड नोन एज अर्क, एक्सटेंसिव ग्रेवल कवर्ड प्लेन्स नोन एज रग एंड बेयर रॉकी प्लेटू नोन एज हैमेड। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने आपको डिपोजिशन और इरोजन पढ़ाया था जब हमने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता है जो डेजर्ट एरिया, तो यहाँ पे इरोजन किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। तो विंड के थ्रू डिपोजिशन भी होता है और इरोजन होता है, और किसका होता है, सैंड का होता है। और इससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म स्ट्रेच होते हैं। तो इसी में डिफरेंट लैंडफॉर्म जैसे अर्ग है, रह गए, और ये सिफ्टिंग सैंड्यूज, इसके अलावा सैंड्यूज भी यहाँ बनते हैं, मशरूम रॉक्स भी यहाँ पर मिलते हैं। द नाइल द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर्स फ्लो, और इसी के ईस्टर्न पार्ट में कौन सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, यानी द जो नाइल रिवर है वो यहाँ से मूव करती है। क्लाइमेट की अगर हम डिस्कस करें, द क्लाइमेट ऑफ द सहारा इज जनरली ड्राई, बहुत ही ड्राई होता है। नदर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट रिसीव सम प्रेसिपिटेशन इन विंटर, वाइल द सदर्न पार्ट रिसीव सम रेनफॉल इन समर। In the Sahara, the summers are very hot, the winters are quite cold in the subtropical north. The western coastal region has a relatively cooler climate due to the influence of the cold Canaries current flowing the coast. अब जो coast area के पास जो desert area है वो थोड़ा सा cool होता है, क्योंकि वो किसके near होता है, desert area के near। The climate range from dry to subtropical with moist winter in the north to dry tropical with summer rain in the south, precipitation is low. Iron ore, manganese, copper, coal, petroleum, natural gas and uranium are found in the Sahara. Wheat, barley, maize, millets, beans, dates, cotton and sugarcane are grown. Animal husbandry, crop cultivation, trading handicrafts, mining are some of the chief occupation of the Sahara Desert.
The Fulani and the Turga are among the pastoral people of the Sahara. सहारा में जो लोग होते हैं, जो ट्राइबल रहते हैं, जो लोग रहते हैं उनको फुलानी और टुर्गा बोलते हैं. Some of the important cities are Cairo, Alexandria and Tripoli. ट्रांसपोर्ट और सिटीज़ की बात करें तो द सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ट्रेडिशनली द ओनली मीन्स ऑफ ट्रेवल इन दिस वॉज डेजर्ट वर द कैमल कैरावेंस. द कैमल विच इज स्टिल यूज फॉर कैरिंग गुड्स एंड पीपल इज ऑफन कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. A camel has broad, padded feet that do not sink in the sand. Beside the stores of fat in the camel's hump enable it to go without food and water for many days. हमने बचपन से पढ़ा है कैमल क्या होता है. रेगिस्तान का जहाज होता है. क्यों रहता है? उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसके ही अकॉर्डिंग फॉर्म है. उसके जो पैर होते हैं वो पैडल के थ्रू होते हैं. उसके अलावा उसके अंदर फूड स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है. सेवरल इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेट फ्लाइट्स अक्रॉस द सहारा एंड मैनी ऑफ द स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आर लिंक्ड बाय लोकल एयर सर्विस इन इजिप्ट द नाइल एंड इट्स अ नेविगेबल बिसाइड. अब धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पे रिवर एरिया है तो कहीं ना कहीं हम सी रूट का यूज़ करते हैं, एयर रूट का यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए. लाइफ हमने आपको बताया था. सहारा स्पेशली स्पार्सली पॉपुलेटेड स्कैटर्ड क्लस्टर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट आर फाउंड इन अ प्लेस लाइक. आपको पता है स्कैटर्ड, हमने आपको जब पढ़ाया था उसमें समझाया था कि स्कैटर्ड क्या होता है, जो बहुत ही फैल मतलब जो बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो, जो जिनके हाउसेस क्या हों काफ़ी दूर दूर पर, तो उसको हम स्कैटर्ड क्लस्टर कहते थे. The next topic is Ladakh, the cold desert. In this topic, I will explain next video. Thank you, class.